अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी गर्ल्स नेम और साथ में इनके मीनिंग्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेम है हाला, बहुत प्यारा नेम है, उसका मतलब है चांद के इर्द गिर्द। फिर आता है हसीना, इस नाम का मतलब है दिलकश। एंड फिर आता है हुबा, हुबा भी बहुत प्यारा नेम है, उसका मतलब है तोहफा। इसके बाद हुदा, हुदा एक छोटा सा और यूनिक सा नेम है, उसका मतलब है रहनुमाई। इसके बाद आता है हिना, हिना नाम का मतलब है खूबसूरत। इसके बाद आता है जानान, जानान नाम का मतलब है रूह। एंड फिर आता है खतीजा, खतीजा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम था और इस नाम का मतलब तारीखी, और ये तारीखी नाम है। ओके, सो फिर आता है लामा, लामा भी एक न्यू नेम है, उसका मतलब है खूबसूरत। इसके बाद आता है मिनल, मीनल, इस नाम का मतलब है कामयाबी। इसके बाद आता है मीना, मीना और मीनल दो अलग अलग नाम है और इसका मतलब है ख्वाहिश। फिर आता है नबा, नबा बहुत प्यारा नेम है और इसका मतलब है जहीन। फिर आता है नवाल, नवाल भी एक छोटा सा और प्यारा सा नाम है, उसका मतलब है गिफ्ट। फिर आता है नीमा, नीमा नाम का मतलब है बरकत। और इसके बाद आता है रायदा, रायदा नाम का मतलब है रहनुमा। राइफा, राइफा नाम का मतलब है शफकत। फिर आता है सफ़ा, सफ़ा नाम का मतलब है पकीज़गी। मुझे एक लंबा सा सांस लेना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ नाम। ओके, सो फिर आता है सोहा, सोहा नाम का मतलब है स्टार। इसके बाद आता है अफाफ, अफाफ नाम का मतलब है अकल। और इसके बाद फिर आता है आयशा, आयशा भी बहुत प्यारा नेम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोजा मोहतरमा का नाम था और इस नाम का मतलब है खुशगवार। इसके बाद आता है अमाल, अमाल नाम का मतलब है उम्मीद। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।